हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। जैसा कि आपने स्लाइड पे देखा है कि ये महामैराथन क्लास है और हम इसमें करंट अफेयर पढ़ेंगे। ऐसे करंट अफेयर जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसमें करंट अफेयर पूछे जाएंगे। SSC CGL, लेखपाल, रेलवे, NDA, ग्रुप डी, UPTET, UPSC, ETC और ये महामैराथन क्लास है करंट अफेयर का, ठीक है। इसमें हम एक लंबा वीडियो डाल रहे हैं जिससे आपको 2021 की लगभग ज़्यादा करंट अफेयर जो करंट अफेयर बने हैं वो हम कवर करेंगे इसमें। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आज का मोटिवेशन क्या है, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू ही है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ छपा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, ठीक है। ये आपको मोटिवेट करेगा और हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि अगर पढ़ रहे हैं हम तो हमें सिलेक्शन लेकर ही लेना है, लेना नहीं है छीन कर लाना है सिलेक्शन, ये आप जान लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया है, तो वो चाइना ने किया है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा देश खुद का ऊर्जा द्वीप बनाएगा, तो वो डेनमार्क बनाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो वो केरल में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, क्या भारत सार्क का सदस्य है, जी भारत जो है वो सार्क का सदस्य है। और अगला प्रश्न क्या है कि भारत और किन देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल ALUAV के लिए एक परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और अमेरिका ने। अनमैनगॉट हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, तो ये मेघालय में। नासा एजेंसी मार्स रोवर हैज कलेक्टेड द फर्स्ट रॉक सैंपल टू रिटर्न टू अर्थ, मतलब जो नासा एजेंसी मार्स रोवर, ठीक है, जाने के लिए उसने पहला रॉकेट सैंपल बनाया है जिस जो अर्थ पर वापस आएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय नौसेनाओं और किस देश के बीच हुई द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण संपन्न हुआ है, तो सिम्बैक्स ये भारत और सिंगापुर का ये बाल्टर एक्सरसाइज है। सिम्बैक्स और सिलिमैक्स श्रीलंका का है और सिम्बैक्स सिंगापुर का। ब्रजयुद्धाभ्यास, तो ब्रजयुद्धाभ्यास ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है। वज्रप्रहार और ब्रजयुद्धाभ्यास ये दोनों भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट स्कीम कैबिनेट अप्रूव्स समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 फ्रॉम अप्रैल 2021 टू मार्च 31 2026, मतलब कैबिनेट में समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 लॉन्च किया गया है 1 अप्रैल को, जो कि 31 मार्च तक रहेगा 2026 तक। इट इज़ ओनली फॉर स्कूल एजुकेशन, ये केवल विद्यार्थियों के लिए है, विद्यालय शिक्षा के लिए है। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है, और शेयर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, मतलब इसमें क्या होगा, जो सरकार वो बजट अपना लगा रही है उसमें 60% सेंटर का रहेगा, केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देंगी। अगला देखिए, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च PM दक्ष पोर्टल। अगर पूछा जाए कि PM दक्ष पोर्टल ये कौन सा मंत्रालय लॉन्च करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च, मतलब जो मिनिस्ट्री है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का, उसके द्वारा PM दक्ष पोर्टल लॉन्च किया गया और PM दक्ष मोबाइल ऐप, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट टू 1 प्लेस फॉर शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस सफाई कर्मचारी। जो इसमें इन्फॉर्मेशन रहेगा वो किसका रहेगा, तो स्किल डेवलपमेंट एट 1 प्लेस, ठीक है, SC कास्ट के लिए और बैकवर्ड क्लास के लिए और सफाई कर्मचारी का इसमें इन्फॉर्मेशन रहेगा। और ये देखिए, PM मोदी टू लॉन्च उज्ज्वल योजना 2.0, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने PM उज्ज्वला योजना लॉन्च किया है, ठीक है, 2.0। और कहाँ से, ये उत्तर प्रदेश के महोबा से स्टार्ट किया गया है। और जो पहला लॉन्च हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो मई 1, 2016 में UP के बलिया जिले से लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिसमें इस आपकी बात क्या है 2.0 में 1 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया जाएगा। संवाद स्टैंड फॉर सपोर्ट एडवोकेसी एंड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन इन
वल्नरेबल सर्कमस्टेंस एंड डिस्ट्रेस, ये संवाद का फुल फॉर्म है, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं, कॉपी पर आपने नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिए, यहाँ पर ये रन बाय मिनिस्टर ऑफ वुमेन, ये जो संवाद है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और सेकंड फेज ऑफ संवाद रिसेंटली लॉन्च, जो संवाद का सेकंड फेज है वो जल्द ही लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, इम्प्लीमेंटिंग बॉडी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो स्कीम, ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी क्या है, NIM हंस, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। PM कुसुम एंड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज सेकंड, ये जो PM कुसुम है ये स्टैंड फॉर है प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। PM कुसुम का मतलब है प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। और ये जो PM कुसुम है ये छत पर सोलर पैनल लगाने का स्कीम है, ठीक है। और इट वाज लॉन्च 2019 में लॉन्च किया गया। इट एम सपोर्ट ऑफ ग्रिड एंड सोलर पंप इन रूरल एरियाज, इसका मतलब जो रूरल एरिया है ग्रामीण क्षेत्र, तो वहाँ पर सोलर पंप लगाया जाए, इसके लिए सब है। और इसे कौन चलाता है, तो ये रन बाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसे कौन सा मिनिस्टर मंत्रालय चलाता, तो मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आगे क्या है, तपास का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, इट इज़ ए इनिशिएटिव ऑफ NISS मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा इसे चलाया जाता है, ठीक है। आप तपास का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। इसका एम क्या है, इट्स एम टू प्रोवाइड एक्सेस टू लेक्चर बाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट स्टडी मटेरियल एंड मोर, बट इन ए मैनर डैट इट सप्लीमेंट द फिजिकल क्लासरूम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अदर क्वालिटी ऑफ टीचिंग, मतलब समझिए ये भी शिक्षा से रिलेटेड है, बढ़िया मटेरियल प्रोवाइड करना विद्यार्थियों के लिए और शिक्षा गुणवत्ता को बेहतर करना, ठीक है, इसके लिए ये है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, तो नंबर ऑफ गोल इन 77 ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल, जो SDG है वो कितने हैं, 17 गोल हैं कुल, ठीक है, इन्हें हम ग्लोबल गोल भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा GST के बारे में है, तो आप लोग GST देख लीजिए। GST का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स। और GST कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। GST के प्रकार हम जान लें, तो एक सेंट्रल होता है, एक यूनियन सेंट्रल होता है, एक स्टेट होता है, ठीक है, और एक यूनियन टेरिटरी होता है, इंटीग्रेटेड, मतलब GST के चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। सेम स्टेट के लिए देखिए, यहाँ पर जो सेम अगर राज्य है तो इसमें सेंट्रल GST लगेगा और स्टेट GST लगेगा, अगर यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल GST लगेगा और यूनियन टेरिटरी GST लगेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कोई राज्य है, ठीक है, वो सामान को अगर किस मतलब अगर एक राज्य से, ठीक है, अपने ही राज्य में वो सामान को निर्यात करती है, अपने राज्य में बेचती है, तो उसमें जो GST लगता है 18.65%, उसमें कुछ सेंट्रल को देना पड़ेगा और केंद्र को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यूनियन टेरेटरी में अगर कोई यूनियन टेरेटरी है, ठीक है, यूनियन टेरेटरी करने का मतलब ये है कि अगर कोई ये जो आते हैं, कहने का मतलब है कि यूनियन टेरेटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, तो अगर वो अपने सामान को अगर बेचता है तो उसमें सेंटर को GST देना पड़ेगा और अपने यूनियन टेरेटरी वो अपने GST बोलेगा। और GST नंबर कितने अंक का होता है, तो GST मतलब GST आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है वो 15 डिजिट है, ठीक है। और जो GST फर्स्ट स्टार्ट किया था किस देश ने, तो ये फ्रांस के द्वारा पहला GST स्टार्ट किया गया था, और इंडिया का जो मॉडल है वो कनाडा से लिया गया। असम इज़ द स्टेट विच इज स्टार्ट GST फर्स्ट एंड जम्मू कश्मीर इज़ द लास्ट यूनियन टेरेटरी स्टार्ट GST। देखिए, जो असम हमारा राज्य है उसने इस GST को पहले ही स्टार्ट किया, पहला राज्य वही था जिसने GST को लागू किया। और जम्मू कश्मीर जो था वो लास्ट यूनियन टेरेटरी था टू स्टार्ट GST, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में जो जम्मू कश्मीर था वो लास्ट केंद्र शासित प्रदेश था। GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि GST कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को। और जो IGST है वो आर्टिकल 269A में है, और काउंसिलिंग 279A में। और बिल कौन सा है, 122वां बिल है, संशोधन बिल 100वां संशोधन बिल था, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई बिल लाया जाता है तो उसे अगर संसद में सहमति नहीं मिलती है
तो प्रभु संशोधन बिल रहेगा उसमें ये नाम दे दिया जाएगा, भले ही वो उसमें सहमति ना मिले, लेकिन सहमति से कम मिली थी तो ये 152 हुआ था संशोधन में, 101 हुआ। 10th रैंक ऑफ ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, मतलब जो भारत है उसमें जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में 10वां रैंक आया भारत का। स्पिनर डॉल्फिन कौन क्या है, तो ये स्मॉलेस्ट डॉल्फिन है जो कि इंडेंजर कैटेगरी में है। चलिए आगे देखते हैं हम, कुवेंपू राष्ट्र पुरस्कार, ये देखिए 8th शेड्यूल के अंदर लिखी सभी 22 भाषाओं में 7th शेड्यूल लिस्ट। देखिए जो राजेंद्र किशोर पांडा थे उन्हें कुवेंपू राष्ट्र पुरस्कार अवार्ड 2020 के लिए सेलेक्ट किया गया था। एंड डॉक्टर पांडा, मतलब जो राजेंद्र किशोर पांडा थे वो बॉर्न किए थे 1944, इज ए पोएट, वो एक पोएट थे एंड नॉवलिस्ट फ्रॉम ओडिशा, वे ओडिशा से नॉवलिस्ट थे। ही हैज पब्लिश्ड 16 पोएट्री कलेक्शन एंड ए नॉवल, उन्होंने 16 पोएट्रियों का एक संग्रह और एक नॉवल प्रस्तुत किया था। ठीक है, ही वॉज प्रेजेंटेड द गंगाधर नेशनल अवार्ड इन 2010, उन्हें 2010 में गंगाधर नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया एंड साहित्य अकादमी अवार्ड 1985 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। देखिए यहाँ पर जो 8th शेड्यूल के अंदर लिखी सभी 22 भाषाओं में है, उसके कहने का मतलब ये है कि जो ये हमारा GST है, ठीक है, वो जो 8वां हमारा शेड्यूल है संविधान में, उसमें जो 22 भाषाओं में है उसमें वो GST 22 भाषाओं में ये लिखा गया है। और जो 7th शेड्यूल है वो हमारे संविधान में क्या डिफाइन करता है कि स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब जो केंद्र और राज्य सरकार है उनके बीच की जो फंक्शन है पावर है उन्हें वो डिफाइन करता है। और इट कंटेंस 3 लिस्ट, ये 3 लिस्टों को कंटेंट करता है, कौन कौन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड तीसरा क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, और इसमें क्या है कि ओरिजिनली देयर वॉज 97 सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट बट नाउ इट इज़ 100, मतलब इसके पहले क्या थे 97 सब्जेक्ट थे यूनियन लिस्ट में बट इस समय 100 सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में। आप ये जान लीजिए कि जो GST है वो सभी 22 भाषाओं में 8th शेड्यूल के अंदर लिखी 22 भाषाओं में है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन हेड करता है, तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है FSR उसे RBI हेड करता है। और इस्टीमेट कमेटी, ठीक है, इस्टीमेट कमेटी 30 नवंबर को इसका गठन किया गया। देखिए जो इस्टीमेट कमेटी होती है वो एक ऐसी कमेटी है, ठीक है, जिसमें सेलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट के सेलेक्टेड मेंबर होते हैं। इसे जो कॉन्स्टिट्यूटेड किया जाता है वो किसके द्वारा, तो बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा। देखिए यहाँ पर जो 30 नवंबर है वो क्या है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो एग्जामिन करेगी द वैल्यू फॉर मनी ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये मतलब जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है उसकी मनी वैल्यू ऑफ जो मनी है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की, उसको ये एग्जामिन करेगी। और ये कब होगा, तो 30 नवंबर 2021। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसरो के प्रमुख क्या है, के सिवान है, और NSD के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं, ये पहले तो हम NSD का फुल फॉर्म जानते हैं। NSD का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और इसके अध्यक्ष हैं वो कौन बने हैं, वो परेश रावल जी। आगे देखिए क्या है यहाँ पर कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और भारत साक्षरता ये 2011 से लागू हुआ, और ये सबसे ज़्यादा जो साक्षरता राज्य है भारत का वो केरल है, और मिनिमम कौन सा है, बिहार, मतलब सबसे लिटरेसी रेट कम किस राज्य में, तो वो बिहार में है। और 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए 16 सितंबर इसके बाद आएगा जो कि ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन डे। और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 16 सितंबर को ओजोन, और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 21 सितंबर को शांति दिवस। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 7 सितंबर 2021 को प्राण नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया, इसका संबंध किससे है, जो प्राण नामक पोर्टल है वो स्वच्छ हवा के लिए है, ठीक है, इसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा लागू किया गया। कौन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, तो वो भूपेंद्र यादव जी हैं। और आगे देखिए स्मॉग टावर क्या है, तो स्मॉग टावर ये इसमें दो चीज़ रहेगा, स्मॉग टावर और प्लस फॉग, ठीक है, ये दो जगह लगाए गए हैं दिल्ली में, कनॉट प्लेस पर और आनंद विहार प्लेस पर, दिल्ली में ये दो जगह लगाए गए हैं, कनॉट प्लेस और आनंद विहार। और आगे देखिए कि ये सबसे बड़ा वायु शोधन टावर
कौन सा है, तो मतलब कहाँ पर है सबसे बड़ा वायु शोधन टावर, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर में एयर जो है उसे ये प्योरीफाई करेगा, तो ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, ये चंडीगढ़ में आपका है। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड, तो ये गाजियाबाद में है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश से 56C295 मेगावाट परिवहन विमान की खरीद को मंजूरी दी है। तो ये जो 56C295 मेगावाट परिवहन विमान है, इसे भारत ने स्पेन के साथ मंजूरी दे दी है। ठीक है, और मैड्रिड राजधानी है स्पेन की, और COP25 का जो आयोजन किया गया था 2019 में, ये स्पेन में ही किया गया था। आगे देखिए, जो हेरॉन ड्रोन है ये कहाँ का है, तो ये इसराइल का है। और फेक मेव फ्लायर 400, ये पहला मानव रहित पोर्ट है। ठीक है, और यहाँ पर अटलांटिका महासागर पार किया ये पहला मेव फ्लायर 400। और देखिए ये तेजस जो कि LCA पर लगाए गए हैं तेजस विमान, जो कि हल्के लड़ाकू विमान है, लड़ाकू ये फ्रांस जो ये लड़ाकू विमान है 4.5G। ठीक है, इसे फ्रांस द्वारा बनाया जाता है, फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी में, और इसमें 2 इंजन रहते हैं, और अंबाला के हरियाणा में शामिल हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए चिनूक क्या है, ये एक हवाई हेलीकॉप्टर है। ठीक है, और ये अमेरिका द्वारा बनाया गया है चिनूक हेलीकॉप्टर, ज़्यादा मजबूत नहीं, थोड़ा हल्का ही होता है चिनूक। और देखिए 9 सितंबर 2021 को भारतमाला परियोजना, ये NDA में प्रश्न पूछा था कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो नेशनल एक्सप्रेसवे से है, के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो बाड़मेर राजस्थान में। ठीक है, देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप का उद्घाटन किया गया है, और NH 925 है नेशनल हाईवे 925। सुखोई विमान, ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उतारा गया है सुखोई विमान। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर, देश का नवीनतम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये कौन सा है, तो ये राजस्थान की मंडी में है 52 टाइगर रिजर्व, और रामगढ़ विजदर नाम है इसका। बायोफूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, पॉलिसी 2018 बायोफूल पॉलिसी को लागू करने वाला है राजस्थान। अगला प्रश्न क्या है कि चिरंजीवी योजना ये क्या है, तो ये राजस्थान की योजना है, सभी को स्वास्थ्य बीमा योजना देना। प्रोजेक्ट बोर्ड क्या है, तो ये उदयपुर राजस्थान की भी योजना है प्रोजेक्ट बोर्ड, और ये बांस के उत्पादन के लिए है प्रोजेक्ट बोर्ड। किसान ऊर्जा मित्र योजना, तो ये भी राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, और हम लोग देखिए 52 पढ़ा था, और ये छत्तीसगढ़ में 53 टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और ये देखिए राजस्थान के बारे में फिर ये बता रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान का है वो क्या है, केवलादेव नेशनल पार्क, रडयम भॉट और मुकुंद्रा हिल्स। ठीक है, नेशनल पार्क है राजस्थान के। अगला प्रश्न देखिए कि 2021 में किस पहले भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलिया नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, मतलब वो भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। ठीक है, और उन्हें ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है, तो कौन है, हेमंत धनजी। और 2+2 सांसद किन दो देशों के बीच होगा, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, सॉरी 2+2 संवाद है। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है, इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो हिमा गोगले। भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है, तो भारत का जो नवीनतम हाई कोर्ट है वो 25वां है, वो भी अमरावती में। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में पहली बार नियुक्त 3 महिलाएँ हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में किसी पद पर, ठीक है, वो 3 महिलाएँ नियुक्त की गई हैं, तो ये भी प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन ही जाता है। ठीक है, तो क्या है, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस बेला द्विवेदी, जस्टिस नागरला, आप लोग इन्हें याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 से 11 सितंबर 2021 तक नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो श्रीनगर में किया जा रहा है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, वो विज्ञान तकनीकी के अध्यक्ष हैं।
और हंगुल, हंगुल क्या है, तो हंगुल राजकीय पशु है, ये देखिए अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। राजकीय पशु है कहाँ का, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का ये हंगुल राजकीय पशु है। मनोज सिन्हा ये कौन है, उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। और लद्दाख राजकीय पशु क्या है, सोनोलीपॉड जो है वो, सोनोलीपॉड मतलब हिम तेंदुआ, ये लद्दाख का राजकीय पशु है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ शुरू किया गया है, तो ये आइसलैंड में जो कि यूरोप में है। ये वायुमंडल में CO2 ले लेगा अपने अंदर, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होंगी वायुमंडल में उसे अपने अंदर खींच लेगा। ये कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र है, आइसलैंड में शुरू किया गया है। देश का पहला कार्बन वॉच ऐप ये चंडीगढ़ द्वारा लॉन्च किया गया है, चंडीगढ़ में। और क्योरो प्रोटोकॉल ये 1997 जापान का है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कनाडा का है। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था 1972 में। और सेंदाई फ्रेमवर्क ये आपदा प्रबंधन है। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है, तो ये मतलब निजी नौकरियां देने वाला, ठीक है, ये देश का थर्ड स्टेट बन गया है, तो कौन है, झारखंड, CM है हेमंत सोरेन। देखिए पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो झारखंड में है, ठीक है, ये डी है यहाँ पर। और फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकेला हरियाणा में हुआ फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम। और जनजाति संग्रहालय रांची में है। अगला प्रश्न क्या है, 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्था देश का सबसे संस्था रहा, तो 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्था रहा, तो वो संस्था है आपका, देखिए यहाँ पर IIT मद्रास है। और जो ये धर्मेंद्र प्रधान है वो कौन है, हमारे शिक्षा मंत्री हैं, इसके पहले रमेश पोखरियाल जी थे। अनुसंधान संस्थानों को पहली बार इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है, ठीक है, और IIT मद्रास वो उसका आंसर है। ये देखिए, देश का पहला 3D प्रिंटेड घर ये IIT मद्रास के द्वारा भी बनाया गया है। और IIT रोपण ये यूब्रिथ जो है ये भी IIT रोपण द्वारा लॉन्च किया गया। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो पहले जानते कि पहला जो शिखर सम्मेलन था ब्रिक्स का उसकी अध्यक्षता 2009 में रूस ने किया था। और नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, 3 देश इसमें शामिल हैं, कौन कौन देश हैं, बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे, 3 देश हैं जो न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हैं। आसियान क्या है, तो ये बंदर शेरी बागवान है ये, और पूर्णिया की राजधानी, मतलब आसियान अगर कहीं इसमें कौन है, तो बंदर शेरी बागवान, ठीक है, जो कि पूर्णिया की राजधानी है। G20 की ये दशा कौन सा देश कब किया, तो 2021 में इटली ने की, 2020 में सऊदी अरब, 2023 में भारत करेगा। G20 G7 में कौन सा देश, क्या G7 भारत का G7 का सदस्य है, जी नहीं, भारत G7 का सदस्य नहीं है। और G7 की अध्यक्षता 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने की। भारत का पहला ब्रांडिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो मेरठ के हसीनापुर में भारत का पहला ब्रीडिंग सेंटर भारत का पहला मेरठ के हस्तिनापुर में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव, तो ये गंगोत्री डॉल्फिन है राष्ट्रीय जलीय जीव, 2010 में लाया गया इसे। अफगानिस्तान में किसको सेंट्रल बैंक द अफगानिस्तान बैंक DAB का मुखिया नियुक्त किया है, तो हाजी मोहम्मद इदारिस को। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमना। BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली। बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो एल सल्वाडोर। और जो डिजिटल करेंसी है, ठीक है, उसको इलीगल कौन कहा है, किसने बैन लगा दिया है, तो वो चाइना ने। किस शहर में भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक टावर का उद्घाटन किया गया, तो ये अभी पढ़ा है, चंडीगढ़, हाईएस्ट 24 मीटर। देखिए ये आगे क्या है कि 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्ययन के रूप में कार्यभार संभाला है, तो सरदार इकबाल सिंह, लाल पुजारी, अरुण कुमार मिश्र कौन है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC एक्ट अधिनियम 1993 के तहत, ठीक है, इसे लाया गया। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को, रेखा शर्मा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग
के अध्यक्ष हैं, विडय सारपला ये राष्ट्र अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं। और 89th संशोधन 89th ये 338 ये संशोधित संबंध आयोग जो 89th संशोधन हुआ था वो 338 संशोधन बिल अनुसूचित संशोधन आयोग में आता है। और ये देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 9 सितंबर 2021 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय वायुसेना को MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी है, तो ये क्या है? तो जो MRSAM प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट सौंपी गई है वो सतह से हवा मार करने में सक्षम है, और DRDO प्लस इसराइल। अगले प्रश्न देखते हैं हम, DRDO का फुल फॉर्म जो होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए पूछा जाता है कि इंद्रजाल क्या है, तो इंद्रजाल वो एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। बराक 8 मिसाइल, तो ये भारत और इजराइल के द्वारा बनाया गया है। अस्त्र, तो ये बियॉन्ड विजुअल ऑरेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, हवा से हवा मार करने वाला मिसाइल है। नाग ये एंटी टैंक मिसाइल है। हेलिना नाग हवाई। ब्रह्मोस ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भया ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला प्रश्न देखते हैं, गन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप एनर्जी आइलैंड बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदार की है? तो तमिलनाडु ने डेनमार्क के साथ भागीदार की है, ठीक है। 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कितना है? तो वो है 175 गीगावाट। और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो वो 450 गीगावाट। अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य है 2047 तक, ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य भारत का। और सेफ सिटी इंडेक्स में शीर्ष कौन रहा है? कोपहंगन जो कि डेनमार्क में है। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? जो जटलैंड प्रायद्वीप पर। 9 सितंबर 2021 को किसे उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो सुरमित सिंह को। पहले कौन थी? तो बेबी रानी मौर्य। अगला प्रश्न क्या है, पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल जगदीश मुखी ये नागालैंड के हैं। आर्यन रवि ये तमिलनाडु के हैं। कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री विश्वराज विश्वा। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। केरल के नए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। पुडुचेरी की नए CM तो ये रंगास्वामी। ये देखिए उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइकेन पार्क जंगल हीलिंग सेंटर, ठीक है। और ये हर्बल गार्डन ये भी उत्तराखंड में है, ये भी उत्तराखंड और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये भी उत्तराखंड में ही है। हाल ही में चर्चा में रहा क्यूक टॉर्क अवनार लेक क्या है? तो ये सबसे उत्तरी द्वीप पर आइसलैंड में है, एक द्वीप है, ठीक है, क्यूक टॉर्क अवनार लेक। विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड तो ग्रीनलैंड है। प्रतिवर्ष हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 सितंबर को प्रतिवर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। ये भी देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बन ही जाता है कि 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? लोकतंत्र दिवस। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस। 21 सितंबर को शांति दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। अगला प्रश्न क्या है कि 9 सितंबर 2021 को शुरू किया गया मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का संबंध किससे है? तो जो इसका संबंध है वो स्ट्रीट वेंडर से है। समृद्धि पोर्टल ये मिट्टी के द्वारा स्टार्टअप किया गया। मुद्रक्रांत ये मधुमक्खी उत्पाद के लिए है, मतलब मधुक्रांत मतलब मधुमक्खी से मधु उत्पाद के लिए है। ई शांता ये समुद्र उत्पाद है, समुद्र से उत्पाद के लिए है ई शांता प्रोजेक्ट। और सेज ये वृद्ध लोगों की देखभाल के लिए है, सेज, ठीक है। और एक एल्डर है वो भी वृद्धजनों की देखभाल के लिए है। और एक सरकार ने नंबर लॉन्च किया है 14567 हेल्पलाइन नंबर है वृद्धजनों के लिए, इनसे सहायता ले सकते हैं। हाल ही में किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसी बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। SBI का राष्ट्रीयकरण 1995 हुआ। SBI के चेयरमैन कौन है? तो दिनेश खारा जी। 11 सितंबर 2021 को किस राज्य ने मेडिसिन फॉर्म द स्काई कार्यक्रम शुरू किया था? तो तेलंगाना ने। तेलंगाना दिवस 2 जून को मनाया जाता है। रामागुंडम सोलर प्लांट ये तेलंगाना में है। राष्ट्रीय उद्यान मृगावली में मध्य प्रदेश। अमरवत टाइगर रिजर्व। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए उच्च राख कोयल गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर E100 पायलट प्रोजेक्ट ये पुणे में लॉन्च किया गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद 1948। ट्री सिटी ऑफ इंडिया हैदराबाद में। ग्रीन स्टील जीवाश्म मुक्त स्टील।
सतीश पारखे को नियुक्त किया गया इंटरनेशनल रोड आप फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में। भारत में ट्रेनिंग राष्ट्रीय आय का गणना करता है कौन, तो राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है ठीक है नेशनल इनकम केंद्र सांख्यिकी संग्रह CSU द्वारा किया जाता है, सेंट्रल सांख्यिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। देखिए यहाँ पर हाल ही में कौन सा राज्य देश में, मतलब हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया, तो गोवा है। 22 जून 2021 को किस राज्य में देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो राजस्थान में ठीक है 52 टाइगर रिजर्व बनाया गया देश का। और 6 मई 2021 को लॉरियन वर्ल्ड रिपोर्ट अवार्ड 2021 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो वो राफेल नडाल को जीत दिया गया। इंटरनेशनल अवार्ड लैंड फॉर लाइफ किसे दिया गया, तो श्याम सुंदरी जियानी को। हाल ही में एक रॉकेट में 143 सैटेलाइट लॉन्च कर विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो SpaceX। और भारत का कितना था, तो भारत का 103 या फिर 104 था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और SpaceX जो Falcon 9 कंपनी है वो किसकी है, एलन मस्क की। हाल ही में एक्स डिजर्ट नाइट वायुसेना युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया, तो भारत और फ्रांस के बीच। हाल ही में 91वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक वर्ल्ड पिकॉक अवार्ड जीता है, तो वो कौन सा फिल्म है, तो है कहाँ का है, तो है गोवा का इनटू द डार्कनेस। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई, तो राजेंद्र कुमार भंडारी को। बजट में घोषित मित्र स्कीम के तहत किसने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, कितने, तो वो 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। हाल ही में नागोजी ओकांजो इविल्या किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है, तो विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है कि हाल ही में मंगल ग्रह के अंतरिक्ष मिशन हीप ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश किया है, यह मिशन किस खाड़ी देश द्वारा भेजा गया, तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। हाल ही में भारत के किस स्थान पर तट पर ISA का नया महानिदेशक चुना गया, तो अजय माथुर को। हाल ही में COP26 के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, COP26 का आयोजन किस देश में किया जाना प्रस्तावित है, तो ग्लासगो में। अगला प्रश्न क्या है कि ई कैबिनेट प्रणाली लागू किस राज्य ने की, तो ये हिमाचल प्रदेश द्वारा ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। हाल ही में किस भारतीय शहर को 2023 सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है, तो हैदराबाद तेलंगाना के हैदराबाद शहर को 2023 सिटी पेड शहर ठीक है मान्यता प्रदान की गई है। फसल परियोजना का संबंध किस राज्य से, तो केरल से है। 2021 के लिए विक्रम देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन में किस देश ने आयोजित किया होगा, तो भारत ने ठीक है। और थीम क्या थी, BRIC@15 ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन है, उसे भारत द्वारा आयोजित किया गया ठीक है, भारत देश ने आयोजित किया। थीम थी BRIC@15। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 को किस यान से प्रक्षेपित किया था, तो PSLV-51 से। अगला प्रश्न क्या है देखिए यहाँ पर, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति का सिफारिश को मानते हुए लोकसभा और राज्यसभा TV शुल्क विलय कर दिया है, तो ये बना दिया क्या गया, क्या इसे बना दिया गया है, तो इसे संसद TV बना दिया गया है ठीक है। और ये इसके वो क्या नाम है, अध्यक्ष कौन है, तो सूर्य प्रकाश जी हैं। BBC के साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो वे कोरनेरू हम्पी को शतरंज से ये है। और हिंदी कैटेगरी में 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो वही अनामिका को साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया, तो छिछोरे फिल्म का ठीक है। वर्ष 2020 का 30वां व्यास सम्मान किसे दिया जाएगा, तो प्रोफेसर शरद पगारे जी को। 29 मार्च 2021 को कौन सा रेलवे जोन भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतकरण रेलवे जोन बन जाएगा, तो जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन है, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, वो भारत का प्रथम पूर्ण विद्युतकरणीय रेलवे जोन बन जाएगा। 12 मई 2021 को किस भारतीय को विटली अवार्ड 2021 विटली अवार्ड 2021 दिया गया, तो नुकलू फोम को, ये भारतीय हैं। और कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस से जुड़ने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, तो है आपका पंजाब राज्य। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में 69वें मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मीजा इंड्रिया ने जीता है ठीक है। तौकात चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा किया गया, तो म्यांमार। और गुलाब चक्रवात, तो ये पाकिस्तान। हाल ही में अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिमशैल आइसबर्ग टूटकर लगा हुआ है, ये हिमशैल का नाम क्या है, तो ये 76। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो डेविड डायोब को। प्रोजेक्ट बोल्ड
कहाँ से आरंभ किया गया, तो उदयपुर राजस्थान से। इसमें बांस के उत्पादन के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट बोल्ड। हाल ही में कोपा अमेरिका कप किस देश ने जीता, तो अर्जेंटीना ने। हाल ही में भीम यूपीआई प्रणाली को किस देश ने लॉन्च किया, तो भूटान ने लॉन्च किया है। मिशन निर्यातक बनो फिल्म किस राज्य, सॉरी मिशन निर्यातक बनो किस राज्य के द्वारा आरम्भ किया गया, तो राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल। रानी की वाव गुजरात में है। केवड़िया फर्स्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी गुजरात में ही है। डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गुजरात में हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक। अगला प्रश्न क्या है, मालाबार एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है, तो जो मालाबार एक्सरसाइज है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और इंडिया के साथ ये मालाबार एक्सरसाइज होता है। ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें एक नवीनतम देश है। और जो क्वाड का सम्मेलन होता है, ठीक है, क्वाड क्वालिटर से लिया गया है, मतलब चार देश हैं यहाँ पर, मान लीजिए भारत है, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ऐसे उन लोग को जोड़ा जाएगा, मतलब ये क्वाड देश हैं चारों। तो ये चाइना के खिलाफ, चारों देश का जो सम्मेलन बना गया क्वाड, ये चाइना के खिलाफ रहता है। और पहला गैर क्वाड देश जिसके साथ 2+2 वार्ता की गई, तो रूस था, ये शामिल नहीं है क्वाड देश में, लेकिन जिसके साथ वार्ता की गई। हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया, तो मध्य प्रदेश वो राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पैगासस क्या है, तो जासूसी करने वाला वायरस है। नुआखोई त्यौहार किस राज्य से संबंधित, ये लैपटॉप और कंप्यूटर में होते हैं। नुआखोई त्यौहार किस राज्य से संबंधित, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नुआखोई त्यौहार बिरसा मुंडा स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, राउरकेला उड़ीसा में है। भारत का पूछा जाता है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो ये बिरसा मुंडा स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, जी नहीं, हॉकी स्टेडियम है। ड्रिंक फ्रॉम टैप सर, ये पूरी में लॉन्च किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर, ये धामू यात्रा पर्व है। हाल ही में स्पेन में आयोजित 20वें इमेजिनिया इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता है, तो देवज्योति मिश्रा ने। अगला प्रश्न क्या है कि मिडनाइट सिंगर ऑटोबायोग्राफी, ये नरेंद्र चंचल की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की मंत्री स्तरीय वार्ता की, तो अमेरिका के साथ। हाल ही में किस देश के द्वारा भूमि प्रबंधन प्रणाली को 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है, तो बांग्लादेश द्वारा भूमि प्रबंधन प्रणाली को 100% डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। और गांधी शांति पुरस्कार ये शेख मुजीब रहमान बगाबंधु को दिया गया। मिताली एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। हाल ही में 3 भारतीय गांवों सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों के लिए नामित किए गए, इनमें से कौन शामिल है, तो देखिए ये 3 गांव हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए शामिल किया गया है, तो पोचमपल्ली तेलंगाना का, कोंगयोंग गांव मेघालय का, और लदपुरा खास गांव मध्य प्रदेश का। और 27 सितंबर को मनाया किया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस, इन्हें पर्यटन गाँव के रूप में ये तीनों गाँव को किया गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे प्रश्न क्या है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को। फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जापान में है, भारत की परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा उत्तर प्रदेश में, नरोरा जी है उत्तर प्रदेश के कांकरपार गुजरात, मतलब भारत की परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये नरोरा में है उत्तर प्रदेश का, और कांकरपार कहाँ पर है, तो गुजरात में। पहली माइनिंग इंजीनियरिंग महिला, तो शिवानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरे हाल ही में किस राज्य ने सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि को चिन्हित करने हेतु 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया है, तो वो तमिलनाडु है। 23 जनवरी को देखें पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और ये सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन भी है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ये बालकन युद्ध 1911, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने बालकन युद्ध में लड़े थे भी। और सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो ये लद्दाख में है। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये कुशीनगर में है। और पशु युद्ध स्मारक ये मेरठ में। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ये भी मेरठ उत्तर प्रदेश में, मेरठ उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, देखिए मेजर से मेरठ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय ये मणिपुर में है, और देखिए यहाँ पर रेल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है, तो ये बड़ोदरा गुजरात में है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये सेकंड है कर्नाटका का। हाल ही में चर्चा में रहा पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में। महानदी कटक ये भी उड़ीसा में है, महानदी कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा के कटक में है। राउरकेला ये स्टील प्लांट है उड़ीसा का, भिलाई छत्तीसगढ़ का, दुर्गापुरा ये सब स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल, बोकारो कहाँ का है, तो ये झारखंड का है, दुर्गापुरा वेस्ट बंगाल, भिलाई छत्तीसगढ़। हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फ्रेनरी का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड में, ठीक है। और लाइकिन पार्क हिम तेंदुआ संरक्षण ये उत्तराखंड में ही है,
देखिए ये कुछ उत्तराखंड की योजनाएं हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं बन जाती हैं। कौन सा है? वात्सल्य योजना उत्तराखंड, विश्व मिशन योजना उत्तराखंड, काला पानी लुपुलेखा उत्तराखंड, भंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, हेलिन नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। आगे देखिए डस्टलिक एक्सरसाइज, तो इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच होता है डस्टलिक एक्सरसाइज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन मिलेट मिशन की शुरुआत की है? तो छत्तीसगढ़ ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है देखिए, और इसमें बाजरा कहाँ पर होता है? जहाँ पर बाजरा मतलब तापमान सहने की इसमें क्षमता होती है और कम पानी की आवश्यकता है। अगर बाजरा आपको उगाना है तो इसमें आप ज़्यादा तापमान रहेगा, ज़्यादा शरीर में ज़्यादा हीट रहती है, वहाँ पर ही होता है और इसमें इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। हाल ही में अजीज अखनोच को किस देश के नए पीएम बने हैं? तो ये जो अजीज अखनोच हैं वो मोरक्को के नए पीएम बने हैं। बाब उल मंदेव जलसंधि, तो ये आंसुओं की जलसंधि है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में दुबई गोल्डन वीजा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो जीव मिल्खा सिंह, ठीक है। यूएई राजधानी अबूधाबी, यूएई की राजधानी अबूधाबी है। यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने। अगला प्रश्न क्या है कि 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आपके लिए। 15 सितंबर को मनाया जाता है लोकतंत्र दिवस या फिर इंजीनियर डे, 16 सितंबर संरक्षण दिवस, 21 सितंबर शांति दिवस। टोक्यो ओलंपिक कोयमा टोक्यो ओलंपिक था तो ये 48 था, पैरा 24 था, मतलब इसका आधा कर दीजिए टोक्यो और पैरा में, आप याद कर सकते हैं ऐसे टिक बनाकर। ओलंपिक क्या है? तो इट अकर्स एवरी 4 ईयर, वंस ड्यूरिंग समर एंड वंस ड्यूरिंग विंटर, मतलब ये प्रत्येक 4 साल में आयोजित किया जाता है, एक समर में एक विंटर में, एक बार समर में एक बार विंटर में। ओलंपिक हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लाउजेनिया है स्विट्जरलैंड में। बीजिंग ओलंपिक ये जापान 1940 में हुआ। इंडिया फ्लैग बियर कौन थे? इंडियन फ्लैग बियर तो वो बॉक्सर मैरी कॉम थे। और मेंस में कौन थे? मेंस हॉकी कैप्टन कौन थे? तो वो मनप्रीत सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 14 सितंबर को किस देश के तेज गेंदबाज, ठीक है, लसिथ मलिंगा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो वो कहाँ का है? श्रीलंका के। आईपीएल की सबसे सफल तेज गेंदबाज है ये। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेल स्टेन ने संन्यास की घोषणा की? तो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं वो। आईसीआई हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो विनू मार्कंड को। टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज कौन है? तो जे एंडरसन है, इंग्लैंड के रहने वाले, ठीक है। हाल ही में किस देश के अंदर फूड इमरजेंसी घोषित की गई? तो वो श्रीलंका में फूड इमरजेंसी घोषित की गई। अगला प्रश्न क्या है कि सिलिनेक्स ये किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास? भारत श्रीलंका के। देखिए सिलिनेक्स और एक सिम्बैक्स, सिम्बैक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच का है। और गरुड़ शक्ति, तो गरुड़ शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच का है, ठीक है। समुद्र शक्ति ये भी भारत और इंडोनेशिया के बीच का है युद्धाभ्यास। और शक्ति किसका है? केवल फ्रांस का है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि देखिए भारत सिंगापुर के बीच में ये सिंगापुर सिम्बैक्स है। और पाक जल संधि किन देशों के बीच है? तो इंडिया श्रीलंका के बीच। आपको लगेगा कि पाक जल संधि इंडिया पाकिस्तान के बीच हुई, लेकिन नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच की है। पे नाउ जिसके साथ भारत ने UPI को जोड़ने की घोषणा की है, किस देश का भुगतान इंटरफेस है? तो ये सिंगापुर का है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। कौन सा देश भीम UPI का उपयोग करने वाला पड़ोसी देश बन गया? तो भूटान है। सिम्बैक्स के साथ ये भारत सिंगापुर के बीच है। ई रुपी क्या है? तो ये प्रीपेड ई वाउचर है, ठीक है। और NEFT और RTGS का फुल फॉर्म क्या है? तो NEFT का फुल फॉर्म नियर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफॉर्मर, RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न क्या है? 14 सितंबर 2021 को किसने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो ये IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया है। भाषा को बाधा न बनने के लिए किया गया, फॉर हायर एजुकेशन के लिए, मतलब अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और भाषा आपकी बाधा बन जा रही है कि मतलब वो उस भाषा में नहीं है वो शिक्षा, तो ये इसलिए प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया गया IIT बॉम्बे द्वारा। एमलेक्स नामक ऑक्सीजन रासनिंग उपकरण को किस IIT ने हाल ही में विकसित किया? तो IIT रोपण ने। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ये कई हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के शीर्ष पर कौन है? तो IIT बॉम्बे है, 177वीं रैंकिंग है। विश्व का पहला प्लांट आधारित स्मार्ट एयर प्योरीफायर किसने विकसित किया? तो IIT रोपण ने ही, यूब्रिथ लाइफ। भारत का 3D प्रिंटेड ये भी IIT मद्रास हमने देखा है, प्रिंटेड हाउस का निर्माण किया गया IIT मद्रास के द्वारा। प्रोजेक्ट गोल्ड ये भी आपने देखा कि राजस्थान उदयपुर में बांस के उत्पादन से संबंधित है। अगस्त 2021 माह के लिए ICC के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया। तो जो रूट को हाल ही में मुलद मेडल किसे प्रदान किया गया? तो जो मुलद मेडल है वो आजिंक्य रहाणे को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर से प्रदान किया गया है। और हाल ही में एलन बॉर्डर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो स्टीव स्मिथ को। नेसो राष्ट्रीय संख्यिक कार्यकाल के अनुसार देश की औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में कितने परसेंट वृद्धि दर्ज की गई, तो ये जो आधार वर्ष 2011-12 है उसमें 11.5% आई एस आई। देखिए जो ये एनएसओ है इसकी स्थापना सन 2011-12 में हुई थी, ठीक है। इसका आधार वर्ष था एनएसओ का 2011-12, और जो औद्योगिक उत्पादन में जुलाई महीने में ये 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई। आईएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो आईएसआई का मुख्यालय है वो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, एनएसएसओ एनसीएसओ को विलय कर एनएसएसओ का गठन किया गया, ठीक है। एनएसएसओ और सीएसओ, ठीक है, इन दोनों को विलय करके एनएसओ का गठन किया गया। प्रतिवर्ष इंजीनियर डे कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया, तो भानुमति हिवला को। सितंबर 2021 में किसने भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू किया, तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने। ऑपरेशन माई सहेली का संचालन किस रेलवे जोन द्वारा किया गया, तो साउथ ईस्ट कोलकाता रेलवे जोन के द्वारा, दक्षिणी पूर्वी कोलकाता। टोटल नंबर ऑफ जो रेलवे जोन कितने हैं, तो 18 रेलवे जोन है। चंबू क्या, चंबू सुपर टाइफून है। अगला प्रश्न क्या है कि तौकाते का अर्थ क्या, तौकाते का अर्थ है, यहाँ पर एक मिनट, तौकाते का अर्थ है आवाज़ करने वाली छिपकली, ठीक है। ईड़ा क्या है, ईड़ा तो हरिकेन, ईड़ा हरिकेन में है। और ड्राई राशन योजना ये उड़ीसा के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 14 सितंबर 2021 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वन ग्राम पंचायत वन डीजी पे सभी का शुभारंभ किया है, तो जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू किया गया इसे। अगला प्रश्न क्या है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट जज ये कौन है, तो ये पंकज मिठारी जी है। मिठारी प्रूफ ऐप कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया। और अगला प्रश्न क्या है कि वन धन विकास योजना के लिए किस राज्य को आदर्श राज्य निर्धारित किया जाएगा, तो ये मणिपुर को निर्धारित किया जाएगा। देश की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी, तो जियो थर्मल ये लद्दाख में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, लद्दाख का राजकीय पशु और पक्षी क्या है, तो लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है वो हिम तेंदुआ स्नो लियोपाड़ा। जो लाची राजकीय पक्षी है वो क्या है, ब्लैक क्रेन है, मतलब ब्लैक नेक क्रेन है, मतलब काली गर्दन वाली क्रेन है। अगले प्रश्न क्या है हमारा कि जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु क्या है, तो हंगुल है, ठीक है, रांची गंग नेशनल पार्क में है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो हिमिस लद्दाख में है, तो उसका झील और पेंगोंग झील ये भी लद्दाख में है। अभी देखा हुआ कि हाल ही में विवाद हुआ है भारत चाइना से पेंगोंग झील को लेकर, मतलब पेंगोंग झील में लद्दाख में। करीबा क्या है, तो केसर का उत्पादन से संबंधित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है करीबा। अगला प्रश्न क्या है कि सितंबर 2021 में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, तो 300 million euro 7 साल के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है, तो गाजियाबाद ने। भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर कहाँ से है, तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश के द्वारा ग्रीन स्ट्रीट का निर्माण किया गया, तो स्वीडन के द्वारा। एसडीआई कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी, जिसमें इंडिया की केवीं रैंक है, तो 131वीं रैंक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन जारी करता है, तो ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और इंडिया की इसमें कौन सी रैंक है, तो 63 रैंक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR इसके इसे भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 15 सितंबर को किसने शून्य अभियान शुरू किया, जो शून्य अभियान का संबंध है वो क्या है, पॉल्यूशन लेस डिलीवरी, इसे रॉक मॉन्की इंस्टीट्यूट ने शुरुआत की है। योजना आयोग और नीति आयोग, देखिए योजना आयोग जो होता है केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, नीति आयोग केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा, इसे 1 जून 2015 में लागू किया गया। इसके पहले अध्यक्ष कौन है, तो पहले नरेंद्र मोदी हैं, पहले उपाध्यक्ष अरविंदा जी। अगला प्रश्न क्या, नवंबर 2021 में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये बिहार में किया गया, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि ग्राम उजाला कार्यक्रम से कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो ये बिहार आरा के बिहार से प्रारंभ किया गया। और इसमें क्या है, एलईडी वितरण करना है, ठीक है। 1200 हॉर्स पावर इंजन कहाँ तैयार किया गया, तो जो 1200 एचपी इंजन है वो मधुपेरा फैक्ट्री बिहार में स्थापित किया गया, मतलब तैयार किया गया, ठीक है। और फ्रांस के एटोसम कंपनी से सहायता से ये 1200 हॉर्स पावर इंजन को तैयार किया गया। अगला प्रश्न क्या है, 16 सितंबर 2021 में भारतीय सेना के प्रमुख के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया, तो नई दिल्ली में। युद्ध ओलंपिक ये रसिया में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कायम स्थान है, तो 4th है। हाल ही में G7, देखिए यहाँ पर हाल ही में G7 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो इसकी थीम क्या थी, बिल्ड बैक बेटर, कनिवाव इंग्लैंड ने की है। सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो कोलकाता में है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि टाइम प्रक्रिया 2021 की 100 में सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में कौन 3 भारतीय शामिल हैं, तो हैं पीएम मोदी, ममता बनर्जी और अदर पुनावाल, ठीक है।
प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार बाइडन और कमला हैरिस शामिल है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एससीओ शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, तो रशिया के द्वारा की जाएगी, आतंकवाद का निषेध, आतंकवाद का विरोध के लिए। अगला प्रश्न क्या है कि एससीओ में शामिल देश हैं तो कौन है एससीओ में शामिल, तो देखिए यहाँ पर कुल 8 देश हैं। ट्रिक क्या है, पिक कुर्ता, पिक कुर्ता मतलब पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान। अगला प्रश्न का एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर, तो एससीओ का मुख्यालय बीजिंग में है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि पाबी क्या है, तो आतंकवाद विरोध युद्धाभ्यास है आसिया 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो बंदर श्री बागवान राजधानी बुरेवी, ठीक है। और अमेरिका रूस, ये बैरिंग जलसंधि है अमेरिका रूस से। और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि नॉर्थ कोरिया, ये लॉन्गेस्ट क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है नॉर्थ कोरिया, जो कि 1500 किलोमीटर की मारा क्षमता है, स्ट्रेटेजिक वेपन ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस। टाइप्स ऑफ क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल की प्रकार कितने होती हैं, तो 3 प्रकार की क्रूज मिसाइल होती हैं, ये भी आपका कहीं ना कहीं उपयोगी पूछे एनडीए के अंदर ये पूछा जा सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्रूज मिसाइल के बारे में। देखिए यहाँ पर एक होता है हाइपरसोनिक, जो कि साउंड के स्पीड से 5 गुना तेज भागता है, ट्रैवल करता है। और सुपरसोनिक जो होता है ट्रैवल फास्टर देन स्पीड, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ा बहुत तेज चलता है सुपरसोनिक, लेकिन सब सोनिक क्या होता है वो स्लो चलता है, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है 344 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उससे तो ये स्लो ही चलता है। और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, इंडिया MTCR का मेंबर है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिमी जो इंडिया है वो MTCR का मेंबर है। MTCR का फुलफॉर्म होता है मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल रिजिम G8। देखिए पहले तो क्या था, G7 नहीं था, G8 था, ठीक है। G7 में कौन से देश थे रशिया को छोड़कर, देखिए G8 में थे पहले जर्मनी, जापान, फ्रांस, USA, UK, इटली, रसिया, कनाडा, लेकिन G7 में रसिया नहीं है। वाजनर अरेंजमेंट, इट इज़ ए वोकलबरी एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑफ GM रेजिम, इट हैज 42 मेंबर। जो वैसनर अरेंजमेंट है उसमें 42 सदस्य हैं। इंडिया बिकेम 42 मेंबर December 2017 में, भारत 42वां मेंबर बना। बायोलैटरल द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, मतलब ये सब भारत और इन सभी देशों के साथ ये एक्सरसाइजें होती हैं, मतलब भारत और इन देशों के साथ ये सब एक्सरसाइजें होती हैं, ठीक है, एक मिनट, ये सब एक्सरसाइजें होती हैं। देखिए इसमें क्या है कि भारत और बांग्लादेश के साथ संप्रति युद्धाभ्यास, भारत चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, और डिजर्ट नाइट ये भी भारत फ्रांस के साथ होती है, शक्ति, गरुड़, वरुड़ ये सब नेवी एक्सरसाइज है, ये भी भारत पाकिस्तान, भारत और फ्रांस के साथ होती हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ कोई एक्सरसाइज नहीं होती, भारत और इंडोनेशिया के साथ गरुड़, शक्ति, समुद्र शक्ति, नेपाल भारत के साथ सूर्य किरण, श्रीलंका भारत के साथ सिलिनेक्स मित्र, सिंगापुर के साथ, भारत और सिंगापुर के साथ सिम्ब एक्सरसाइज होती है। अगला देखिए क्या है, भारत और उज्बेकिस्तान के साथ जसलीक एक्सरसाइज होती है, जो कि राड़ी खेत उत्तराखंड में स्थित है, काजी नंद ये एक्सरसाइज है, जो कि भारत और काजिकिस्तान के साथ होती है। और भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट के साथ होती है, भारत ओमान के बीच में अलनगर, और भारत यूएसए के बीच में युद्धाभ्यास वज्र प्रहारी, तो आप जानते होंगे, भारत और रशिया के बीच में इंदिरा, भारत सीचेल्स के बीच में नमित एक्सरसाइज, भारत और यूएई के बीच में डिजर्ट ईगल, भारत और इसराइल के बीच में ब्लू फ्लैग, ये आप नोट कर लीजिएगा किसी कॉपी पर, ठीक है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये हाउस इंडेक्स, भारत इंग्लैंड के बीच में कोंकर बैरियर, मालाबार एक्सरसाइज क्या है, तो इसमें वही क्वाड है, ठीक है, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, किर्गिस्तान, भारत किर्गिस्तान के साथ खनिजर एक्सरसाइज होती है। गुरु घासीदास, देखिए यही मैं कह रहा था कि गुरु घासीदास जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास ये नेशनल पार्क है, 53 नेशनल पार्क है, NTCA से मंजूरी मिल गई है, जो कि कहाँ का है, छत्तीसगढ़ में, अदर टाइगर रिजर्व में छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ के और सब टाइगर रिजर्व में वो कौन कौन से हैं, तो आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा कॉपी पर अपने, ठीक है, वो कौन से हैं, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती सीतांदी टाइगर रिजर्व, अचन कंवर टाइगर रिजर्व, कस्तूर रंगन समिति, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मिला गया है, अवकाश, ऑक्स 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 त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है, किसकी, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, क्वाड से मालावार से सारे, वही आपने देखा है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अब्राहम एकॉर्ड, इसराइल, यूए के बीच में। अगला प्रश्न क्या है कि वीटो पावर किसके किसके पास है, तो वीटो पावर 5 देशों के पास है, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रसिया, जो चाइना है वो सभी देश राजी हैं वीटो पावर देने के लिए भारत को, लेकिन यही चाइना है जो राजी नहीं हो रहा है। चमगादड़, तराई क्या है, तराई ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तराई का फुलफॉर्म है। अगला प्रश्न है पंकज आडवाणी, देखिए पंकज आडवाणी ये
एशिया स्नूकर चैंपियनशिप हैं, और मनिका बन्ना ये टेबल टेनिस से हैं, रवि दहिया ये कुश्ती से, बजरंग पुनिया कुश्ती से। बजरंग पुनिया हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता है। आई रास्ते प्रोजेक्ट ये नागपुर का है प्रोजेक्ट बोल्ड, ये तो कितनी बार वही चीज राजस्थान बांस उत्पादन के। ओ पी का मुख्यालय वियना में है ऑस्ट्रेलिया में। लद्दाख ये स्नो लियोपार्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन, देखिए जो स्नो लियोपार्ड है वो राजकीय पशु है, ब्लैक नेक्ड मतलब काली गर्दन वाली क्रेन ये राजकीय पशु है। स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड, इट इज़ ए वल्नरेबल स्पीसीज है, ठीक है। विच कैनल कनेक्ट रेड सी टू मेडिटेरियन सी, ये देखिए ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो ही जाता है कि कौन सा जो सुरंग है वो ये कैनल कनेक्ट करता है किससे, रेड सी से और मेडिटेरियन सी, तो वो स्विच कैनल है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। वाई ब्रेकअप ये किसके हाथ में है, तो ये वाई ब्रेकअप किसने लॉन्च किया, आयुष मंत्रालय ने, कि लागुआ ज्वालामुखी अमेरिका में है, वेस्ट नाइल वायरस युगांडा में, भारत चाइना ITBP ये महानिदेशक कौन है, तो संजय अरोरा जी हैं। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, तो JB महापात्रा जी हैं। विश्व नारियल दिवस को मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। और देखिए यहाँ पर कि सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी में स्पेन शामिल नहीं है, ठीक है, CBDC में। ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर मलेशिया साउथ अफ्रीका ये सब शामिल हैं। और यहाँ पर देखिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB कितने नए सदस्य जोड़े गए हैं, तो 3 सदस्य नए जोड़े गए हैं, कौन कौन, बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। शिक्षक वर्ष 2021 में कब मनाया जाता है, शिक्षक पर्व 2021 कब मनाया, मतलब कितने ये मतलब शिक्षक पर्व मनाया गया, जैसे 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, तो 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया गया। और अगला क्या प्रश्न है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये गांधीनगर गुजरात में किया जाता है डिफेंस एक्सपो 22 का आयोजन, गांधीनगर गुजरात में किया गया। अवनी लखेरा ये शूटिंग में हैं, ठीक है, इन्होंने भी पदक जीता है, अवनी लखेरा टोक्यो पैरालंपिक में, ठीक है। और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन है, हमने आपको टोक्यो पैरालंपिक का अलग से वीडियो बनाकर रखा है, यूट्यूब पर आप जाकर टाइप करके देख लीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। और प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा, तो भारत, मतलब एशिया का पहला देश है प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला भारत। निपा वायरस, देखिए निपा वायरस के बारे में कुछ यहाँ पर लिखा गया है, जो कि कहीं ना कहीं आप लोग के लिए भी ये इम्पोर्टेंट बन ही जाता है। देखिए जो निपा वायरस है वो केरल के कोझिकोड जिले में इसका पहला मामला सामने आया, भारत की बात कर रहे हैं, यह एक जूनोटिक वायरस है, 1998 और 99 में मलेशिया और सिंगापुर में देखा गया था, ठीक है। डुरंड कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कोलकाता में। किस रेलवे स्टेशन को 5 टाइगर राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। अगला प्रश्न क्या है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार किस देश में आयोजित तक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, तो मिस्र इजिप्ट का, इजिप्ट में। पत्रकार कल्याण कोष योजना छत्तीसगढ़ का है। वतन प्रेम योजना ये भी गुजरात का है, ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से लिखें। अगला प्रश्न क्या है कि स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन फोर ये स्पेसएक्स की कंपनी है, इलन मस्क की स्पेस फ्लाइट इंस्पिरेशन फोर। प्राण नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्वच्छ हवा से संबंधित है प्राण, ठीक है। भारतमाला परियोजना वाली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बाड़मेर और राजस्थान में। और अगला प्रश्न क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसमें कितने लाख रुपए मिलते हैं, 25 लाख रुपए, पहले इतने नहीं थे, किसी किसी मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से कर दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और क्रिकेट में किसे मिला, तो रोहित शर्मा जी को, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टोक्यो पैरालंपिक मरियप्पन थंगावेलु को मिला है, और विनेश फोगावी को कुश्ती में मिला है, और रानी रामपाल को हॉकी में, मलिका बत्रा को टेबल टेनिस में। आगे देखिए डिकेट्स मतलब दशक में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो विराट कोहली वनडे टेस्ट स्टीव स्मिथ में, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ टेस्ट में है सबसे सर्वश्रेष्ठ। और T20 में अफगानिस्तान के राशिद खान जी हैं। स्प्रिट खेल भावना MS धोनी। फीमेल में कौन है, तो अलिसा पैरी जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। IPL 2020 विजेता कौन सी टीम थी, मुंबई इंडियंस, आप तो जानते ही होंगे ये। और एक मिनट, IPL 2020 विजेता UAE, ये UAE IPL जो है UAE में होता है, ठीक है। और वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड ये रानी रामपाल हैं, हॉकी से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड गेम एथलीट अवार्ड ये भी तो वही तो बताया मैंने। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये बरियाटी थर्ड, फोर्थ कौन था, तो ये पेंकुला हरियाणा में।
देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है आपका सुरक्षित नवजात देखभाल, मतलब नवजात शिशुओं की देखभाल करना, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार गुजरात की भानुमती सिबला जुगनर से उन्हें दिया गया। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 सितंबर को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल जो कि 1948 से शुरू किया गया मनाना। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिनेवा में। महानिदेशक कौन है WHO के, डॉक्टर टेड्रोस, और कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष, ठीक है, पेट्री कमूथ किन्निया अब्दुल्ला सारी। इज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, कितने मापदंडों के आधार पर जारी की जाती है, 10। जुड़वा भवन के नाम से किन दोनों संस्थानों को जाना जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक। और IMF वर्ल्ड बैंक को ब्रेटन वुड्स संस्था के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड बैंक Washington DC, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर Washington DC में। USDR में कौन सी मुद्रा शामिल है, तो ये इतनी मुद्राएं शामिल है, डॉलर, पौंड जो कि इंग्लैंड की, येन जापान की, युआन चाइना की, और यूरो। अगला प्रश्न देखते हैं कि USDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीनों पर USDI की रैंकिंग निकाली जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ने भारत की कौन सी रैंक है, तो भारत की इसमें 140वीं रैंक है। ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का 4th स्थान है, पहले कौन है, अमेरिका है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां भारत का स्थान है। मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास, लोकल पीपल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें बेहतर करने के लिए, ठीक है, बुनियादी ढांचा को, ग्रामीण विकास को, और सबसे बड़ी बात है कि लोकल पीपल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 50% राज्य सरकार देगी और 50% इच्छुक नागरिक ये उसमें नियोजन करेंगे। और अगला प्रश्न क्या है, ध्यानचंद यूनिवर्सिटी UP के मथुरा में है, स्थापना इसकी हुई है, ठीक है। टेराकोट GI टैग किसे मिला है, अपने गोरखपुर को मिला है टेराकोट GI टैग, ठीक है। NDRF की पाली महिला टुकड़ी गढ़ मुस्तेश्वर, 2x2 अवार्ड पीलीभीत को मिला है। पशु युद्धक स्मारक मेरठ UP में बनाया गया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में सूर्य किरण XU युद्धाभ्यास होगा, जो कि भारत मतलब जो भारत नेपाल के बीच में सूर्यकड़ 15 युद्धाभ्यास होता है, वो पिथौड़ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में होगा। अगला प्रश्न क्या है कि काला पानी प्लस लियू लेक, ये भी पिथौरागढ़ में ही है, भारत और नेपाल के बीच विवादित है ये। और सॉरी यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, थोड़ा दिक्कत होगा समझ में, जो ये GST की जो 45वीं बैठक है, ये तो GST जो आर्टिकल 27 के अंतर्गत आता है, इसकी 45वीं बैठक लखनऊ में हुई है जो कि उत्तर प्रदेश में, और इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने उसने की है। जीवन रक्षक दवा को छूट दी गई है इस 45वीं बैठक में, और कैंसर दवा को 5% टैक्स कम कर दिया गया है। विजय केलोगर समिति GST के अध्यक्ष हैं, तो ठीक है, जो विजय केलकर समिति है वो GST की है। और पहला राज्य कौन सा GST लागू करने वाला है, इनडायरेक्ट टैक्स GST काउंसिल 279A में है शामिल, इसके अध्यक्ष कौन है, वित्त मंत्री। अगला प्रश्न देखिए, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष RBI गवर्नर होता है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया है। नीति आयोग ने किसके साथ 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त फ्री एजुकेशन शिक्षा प्रदान करने की घोषणा की, तो बायजू किसके साथ, नीति आयोग प्लस बायजू के साथ। आकांक्षी जिला कितने हैं, 112 टोटल हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नीति आयोग ने जारी किया है, और ये केरल राज्य सबसे आगे इसमें शीर्ष पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। राष्ट्र नवाचार सूचकांक नेशनल इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है इसे, और कर्नाटक पहले स्थान पर है। जीरो अशिया ने तो अपने दिखाया कि पॉल्यूशन फ्री व्हीकल, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, इसकी रैंक क्या है, भारत की 48 रैंक है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं कि नीति आयोग के CEO कौन है, अमिताभ कांत। स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015। इसके अध्यक्ष कौन है, PM मोदी। इज ऑफ लिविंग इंडेक्स में कौन सा शहर सिर्फ है, तो बेंगलुरु, ठीक है, मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, और शिमला पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख में। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर कार्य करता है नीति आयोग,
हरमिलन कौर पटियाला की पढ़ाने वाली महिला, ठीक है, 1500 मीटर की दौड़ में टॉप पर रही हैं नेशनल लेवल पर, ठीक है, नाम याद रखिएगा। नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं तो ये कहाँ की नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप कर्नाटक में है। डिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। रनर 10 किलोमीटर दौड़ में महिला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, साफिया हसना नीदरलैंड के हैं। अर्थ साइड पुरस्कार दो महिलाओं को तो दरके इसमें पहली बार दिया जा रहा है लंदन में दिया जाएगा इसे। कौन है तो विनिशा है, विद्युत मोहन जी हैं। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार दिया जाता है जैसे जो विनिशा जी हैं वो तमिलनाडु 14 ईयर की एक स्टूडेंट हैं सौर ऊर्जा से। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में के रहने वाले विद्युत मोहन जी हैं, औद्योगिक उद्यमी हैं कृषि वेस्ट रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए। विटली अवार्ड 2021 ये निकुलू फोम आमोर फाल्कन, ठीक है, आमोर फाल्कन संरक्षण के लिए दिया गया है। विटली अवार्ड 2021 किसको, निकुलू फोम को। सरस्वती सम्मान 2021 शरद कुमार को दिया गया। व्यास सम्मान 2021 शरद पगारे पाटलिपुत्र की समीक्षा के लिए दिया गया है, ठीक है, शरद पगारे को। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड डेविड आयोग फ्रांस के, और एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक नॉवल के लिए दिया गया है डेविड आयोग को, कहाँ पर, फ्रांस में। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड लैंड फॉर लाइफ अवार्ड श्याम सुंदर जियानी को दिया गया है। कोविड फतह योजना पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया। 300वां जिला कौन है, मालेर कोटाला। लाल लकीर मिशन यह संपत्ति कार्ड से संबंधित है। कोवैक्स पॉलिसी में पहली बार शामिल हुआ पंजाब। हाथी मिर्च तामंग लौंग संतरे का जीआई टैग किस राज्य ने दिए, मणिपुर ने। और मीठे पानी की झील भी मणिपुर में है। संतरा फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है। जूको घाटी नागालैंड और मणिपुर के बीच है। जूको घाटी डार्लिंग की चाय वेस्ट बंगाल, पाला जीआई टैग डार्लिंग की चाय को दिया गया। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है, तो जो ये एक पहल अभियान शुरू किया गया है तो ये देखिए यहाँ पर हाल ही में किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है, तो विधि और न्याय मंत्रालय ने, और इसके मंत्री हैं चिरंजीव जी। इसका उद्देश्य क्या है, घर घर तक न्याय पहुँचाना। इसमें टैली लॉ को बढ़ावा दिया जाएगा। 27 सितंबर 2021 तक इस अभियान को चला जाएगा। चलिए दोस्तों अगले लेक्चर में और सब प्रश्न हम करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है।